वहीं रुड़की में ऊर्जा निगम 10,000 से बड़े बिजली के बकायेदारों पर शिकंजा कसने जा रहा है, जिसका बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने विरोध जताया। बीजेपी किसान मोर्चा का कहना है कि जिन किसानों का 10,000 का बकाया बिजली बिल है, वो देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि किसान का पिछले साल बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो पाया है, इसलिए वो इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकते। बता दें कि इस साल ऊर्जा निगम ने बकायेदारों से करीब 1,000 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर डीजीएम ने सभी क्षेत्रों के एसडीओ जेई को बकायेदारों के वसूली के आदेश दिए, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऊर्जा निगम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है या किसानों का बकाया गन्ना भुगतान होने का इंतजार करेगा। पेमेंट नहीं हुआ, किसान जो है अभी सारे मील हमारे काफी इकबालपुर में या उधर दूसरे मील है, सब में स्थिति गंभीर है, पैसा किसान पास है नहीं। ऐसे में इनके जो विभाग के कर्मचारी जा रहे हैं कि भाई एसडीएम एक्शन जो भी जाकर से काट रहे हैं, तो उस पर दबाव बना कि ऐसा नहीं है, जो हमारे जब उनके पैसे होंगे धीरे धीरे उसके बाद में करते रहेंगे, तो उन्होंने इस बात मान भी ली। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आए थे लोग, इन्होंने दिक्कतें बताई कि थोड़ा किसानों को जो चीनी मिल से पेमेंट नहीं हो रहा, तो हमने उनमें कहा है जो बड़े बकायेदार होंगे उनसे तो हम वसूली करेंगे, जिनका एक आध दो साल का बकाया होगा उनको हम फरवरी तक का समय दे देंगे,